प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। चलिए ग्रीन हाउस प्रभाव को समझ लेते हैं। सूर्य से जो है बहुत प्रकार के जो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय किरण निकलती रहती है, तो इससे होता क्या है कि कुछ विकिरण ही जो है दृश्य प्रकाश को पार करके जो है पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, जिसके कारण जो है पृथ्वी गर्म हो जाती है। और जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो अवशोष जो पृथ्वी पर जो वस्तुएं हैं वो भी गर्म हो जाती हैं, तो प्रत्येक गर्म वस्तु से भी जो एक अवरक्त किरण निकलते हैं, तो वो अवरक्त किरण निकलते हैं वो फिर आयन मंडल से टकरा कर जो है फिर वापस पृथ्वी पर ही आ जाते हैं और पृथ्वी फिर से गर्म हो जाती है। और यही प्रभाव जो है ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी गर्म रहती है। तो इसको अब भाषा में समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव सूर्य से आने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से दृश्य प्रकाश के साथ केवल लघु तरंग दैर्ध्य के बहुत कम अवरक्त विकिरण ही वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, जिससे पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती है। प्रत्येक गर्म वस्तु के अवरक्त विकिरण के उत्सर्जित के कारण पृथ्वी भी अपनी सतह से अवरक्त उत्सर्जित किरणें के कारण पृथ्वी भी अपनी सतह से जो है अवरक्त किरण उत्सर्जित करने लगती हैं। और किंतु पृथ्वी से उत्सर्जित ये अवरक्त किरणें वायुमंडल की परतों को पार नहीं कर पाती हैं, बल्कि वायुमंडल के नीचे की परतों से ही परावर्तित होकर पृथ्वी पर फिर वापस आ जाते हैं। और इस प्रकार पृथ्वी तल के समीप अवरक्त विकिरण बढ़ जाते हैं तथा इस पर की वस्तुएं इन विकिरणों को अवशोषित करके गर्म हो जाती हैं और इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार के कारण ही पृथ्वी का तल हमेशा गर्म बना रहता है।